नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधा बुलेटिन, मैं ज्योति राघव। तो बात करते हैं आज की स्पेशल न्यूज की। जयपुर में 12 एंग्री मेंस ने किया न्याय। एक कमरे में 12 चेयर पर बैठे जूरी मेंबर एक दूसरे से बिल्कुल अनजान, हर बार किसी न किसी की बात से असहमति। 19 साल का लड़का अपने भाग्य के साथ न्याय का इंतजार करते हुए और लड़ाई इस बात की है कि वह कसूरवार है या बेकसूर। इसी उलझनों न्याय व्यवस्था के अंदाज को बयां करता नाटक 12 एंग्री मैन शनिवार को जवाहर कला केंद्र में खेला गया। नाटक का निर्देशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट विशाल विजय ने किया। वहीं बता दें कि 1954 में रेजिनाल्ड रोज ने अमेरिकी टीवी के लिए एक नाटक लिखा था, 12 एंग्री मैन। इसी नाटक पर सिडनी लुमेट ने 1957 में हॉलीवुड में इस शीर्षक में फिल्म बनाई गई थी। इसके बाद 80 के दशक के मध्य में रंजीत कपूर ने इसका हिंदी में रूपांतरण करके एक रुका हुआ फैसला नाटक रचा। यश चोपड़ा इस नाटक पर रंजीत कपूर से फिल्म बनवाना चाहते थे, लेकिन कालांतर में बासु चटर्जी ने कपूर से स्वीकृति ले ली और 1986 में फिल्म बना डाली। अब विशाल विजय ने अपनी परिकल्पना के अनुरूप इसी नाटक को इसके मूल 12 एंग्री मैन के नाम से मंचित किया। वहीं आपको बता दें कि नाटक में वैसे तो सभी 12 किरदारों का अभिनय खास रहा, एनर्जी पक्ष से लेकर संवाद अदायगी ने खूब तालियां बटोरी। अमेरिकी विधि व्यवस्था से ऐसा प्रावधान है कि अपराध के केस जज एक जूरी के सुपुर्द करता है और उसके सभी सदस्यों को एक मत से मुलजिम के मुजरिम होने या न होने के संदर्भ में अपनी राय देनी होती है। नाटक इसी विधि व्यवस्था पर आधारित है। हालांकि भारत में विधिक व्यवस्था से जूरी का अस्तित्व 50 के दशक के अंत में नानावटी केस में उत्पन्न हुए विवादों के कारण खत्म कर दिया गया था, पर रंजीत कपूर ने अपने स्क्रिप्ट में लिबर्टी लेते हुए इस व्यवस्था को 80 के दशक तक माना था, क्योंकि इस पर आधारित उनकी फिल्म एक रुका हुआ फैसला उसी समय रिलीज हुई थी। विशाल विजय ने भी इस नाटक के 80 के दशक में स्थापित किया। अब तक हाउसफुल रहे सभी शो यह इस नाटक का सातवां मंचन है। अब तक इस नाटक के जितने भी मंचन किए गए हैं वे सभी हाउसफुल रहे हैं। नाटक में नरेश प्रजापत, राजेश कसाना, योगेंद्र सिंह परमार, चित्रार्थ मिश्रा, कमलेश बैरवा, मोहित भट्ट, महमूद अली, संदीप मिश्रा, विपिन चौधरी, ओम मीणा, दीपक गुर्जर, राहुल जांगिड एवं विनय सैनी के अभिनय से हुआ है। मंच पार्श्व में प्रकाश सही शेखावत, ध्वनि विमल मीणा का रहा। खास खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मरुधा बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।